हेलो वेलकम यू ऑल। आज 22 अप्रैल और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और जियो के आईपीओ के बारे में। जैसे ही ये डील हुई है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फेसबुक, जो फेसबुक ने लगभग 10% के आसपास के स्टॉक रिलायंस जियो में खरीदे हैं, उसके बाद ये बात चर्चाओं में आने लगी है। तो मैं आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है, इससे दोनों को क्या फायदा हुआ है और इसमें जियो आईपीओ के लिए भी क्या फायदा हुआ और ये जियो आईपीओ कब तक आ सकता है। और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में कुछ दिख रहे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखे बिना स्किप किए हुए, कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले और आगे की प्लानिंग आप यहीं से स्टार्ट कर लें। तो आपके साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इंफॉर्मेशन करूंगा शेयर। जो हमारा फेसबुक सोशल मीडिया जॉइंट है, इसने लगभग 9.9% के स्टॉक्स रिलायंस जियो में लिए हैं। ये डील लगभग 43,574 करोड़ की रही, जहां मार्केट का माना था, एनालिसिस का माना था, ये डील लगभग 40 बिलियन डॉलर की रहेगी। पर इस डील जो हुई है मार्केट के एस्टिमेट्स को तोड़ते हुए लगभग 65.9 बिलियन डॉलर्स बिलियंस में हुई। और वहीं आपके साथ बता दूं कि ये जो डील हुई है बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड रही है, दोनों साइड को फायदा मिला है, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिली है थ्रू दिस पार्टनरशिप। वहीं जहां फेसबुक को एक वाइडर ऑडियंस मिलेगी, जो जियो के यूजर्स है लगभग 388 मिलियन क्लाइंट्स है, उनका फेवरिज्म मिलेगा। और वहीं अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन पैसे से डेबिट फ्री होने में मदद मिलेगी और लिवरेज मिलेगी थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक सर्विसेज चैट्स के थ्रू। तो दोनों को फायदा नजर आता हुआ आ रहा है। वहीं अगर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा कि जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल्स और फेसबुक व्हाट्सएप, इनके बीच में एक कमर्शियल पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है, जिससे ये चाहेंगे कि फर्दर एक्सलेट हो रिलायंस रिटेल्स के बिजनेसेस, कमर्शियल बिजनेसेस में ग्रोथ हो जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसमें हेल्प करेगा व्हाट्सएप टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के भी जो एक ऐप आता है बिजनेस ऐप, इससे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्मॉल बिजनेसेस में भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। ये ऐसी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक किस्म का सपोर्ट मिल रहा है और वहीं आप देखो तो फेसबुक को काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों को विन विन सिचुएशन हुई है। वहीं जियो को लिवरेज मिलेगा, जो फेसबुक के यूजर्स है लगभग 900 मिलियन स्ट्रॉन्ग यूजर्स है, उनकी तरफ से लिवरेज मिलेगा जो फेसबुक के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और वहीं एनालिसिस का मानना यह है कि इसके थ्रू जो रिलायंस है वो अपनी जो डेबिट फ्री होगा वो लगभग 2021 के हाफ ईयर में पॉसिबिलिटी दिख रही है। एनालिस्ट का मानना यह है कि इससे इतना इनका बिजनेस रिलायंस जियो का ग्रो होगा। और वहीं बात को मैं अपनी कंटिन्यू करूंगा, जो ये डील हुई है फेसबुक और रिलायंस के बीच में, इससे जियो के लिस्टिंग पे बॉन्सर मिलने वाला है। जबकि हमारे चेयरमैन मुकेश अंबानी जी पहले से ही एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शंस इस आईपीओ को लाने के लिए इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो वहीं ये जो मल्टी मिलियन डॉलर की जो डील हुई है, इससे जियो का ट्रू पोटेंशियल दिखेगा टू बिकम ए लीडिंग डिजिटल कंपनी। वहीं आप देखो तो टेलीकॉम सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से ये जियो आता ही है, अभी एयरटेल और जियो ही है। और अगर ये इसका आईपीओ आ गया तो मुझे ऐसा लगता है ये डील इतनी बढ़ रहेगी कि नंबर वन ऑपरेटर भी बन सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द मार्केट। वहीं ये डील से जियो के आईपीओ को बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है और इससे मोर इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो गए टूवर्ड्स दिस आईपीओ। वहीं बात को अपनी करूंगा कंटिन्यू कि इस डील की वजह से जियो बन जाएगा एक ट्रू डिजिटल कंपनी इन द कमिंग ईयर्स और रिलायंस को हेल्प होगा इसके रिड्यूस करने में डेबिट्स और बन जाएगी एक डेबिट फ्री कंपनी फॉर इन द सेकंड हाफ मिड ईयर ऑफ 2021। एनालिसिस का सारा ये मानना है और इससे जो भी
जो डील हुई है इससे लगभग जो आईपीओ निकलेगा, जियो का आईपीओ निकलेगा, इससे बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टर्स को, कॉन्फिडेंस में अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड दिस, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जियो आईपीओ में। तो ये जो फेसबुक की डील रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, ये एक तरफा नहीं रही है, दोनों को फ़ायदा नज़र आता हुआ आ रहा है। रिलायंस को कहीं ना कहीं इस क्राइसिस के टाइम एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है, काफ़ी बड़ी डील रही है इस क्राइसिस के टाइम इतना पैसा लाना, और ये डील एक रिलायंस के लिए बहुत अच्छी रही है, वहीं एज वेल एज फेसबुक के लिए भी काफ़ी अच्छी डील रही है। और जियो के आईपीओ जो मुझे लग रहा है, जो न्यूज़ों में बताया जा रहा है, ये लगभग लाइकली जो मिड है 2021 ईयर, अभी आने वाले 6 महीनों में ये आईपीओ निकलता हुआ नज़र आ सकता है, एनालिसिस का मानना ये है। और वहीं बात को अपने कंटिन्यू करूँगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मैं चार्ट पे आया हूँ तो लगभग ट्रेड कर रहा है ये 1358 रुपीज़ पे, तो वी शेप की यहाँ रैली बनती हुई नज़र आ रही है, शार्प रिकवरी नज़र बनती आ रही है, और ये अभी ट्रेड कर रहा है। जो ब्लू कलर की लाइन है ये 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, और ये जो पिंक कलर की लाइन है ये है मेरा 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन है ये 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। तो करंटली अगर हम देखें तो ये अपने 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करके आ चुका है, तो मतलब कि अब अगर हम इसमें कोई नई पोजीशन लेना चाहे तो हम ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज जो हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, हम इसको एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आगे के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ नज़र आती हुई आ रही है, वो है वी शेप रैली। वहीं अपनी बात करूँगा कंटिन्यू तो मैगडी में भी पॉजिटिवनेस नज़र आती हुई कि ये लगातार ग्रीन कैंडल्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। वहीं अगर हम बात करें आरएसआई की तो लगभग 62.60 पे है, ये भी काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट हमारे को दिखा रहा है कि फर्दर इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट और हमारे को दिख सकता है। वहीं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट इसमें लगाया जाए तो वो जो 200 डेज सिंपल मूविंग का एवरेज कैलकुलेट होके जो आ रहा था 1338 पे, वहीं इसका सपोर्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आ रहा है जो लगभग है 38.2% पे। मुझे ऐसा लगता है एक तो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट इसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो जो भी इसमें फ्रेश कंटिन्यूटी करना चाहता है या फिर कितने लंबे टाइम के लिए मैं पैसा रखूं रिलायंस इंडस्ट्री में, अगर ये सोच रहा है तो उसके लिए ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस टच होता है लगभग 1338 रुपये के आसपास तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, और ये अगर आप नया पोजीशन लेना चाहते हो तो आप इसके ऊपर ले सकते हो और इसको स्टॉप लॉस बांध सकते हो। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी सिर्फ ऑयल का प्रेशर दिख रहा है, बाकी अभी इसमें इतना प्रेशर नहीं आ रहा। अगर ऑयल की कंडीशंस में थोड़ा सुधार आता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वहीं एनालिस्ट्स की, डिफरेंट एनालिस्ट्स की कोई भी आप रिपोर्ट देख लो तो 1850-1560 के आसपास के जैसे टारगेट्स मार्केट में इसमें इस डील के बाद इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बताए जा रहे हैं। वहीं जो आने वाली बात जो मेरे को आज इसमें दिखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये जो शेयर है लगभग आज 9.83% तेज रहा, लगभग 121.65 पॉइंट अप रहा। और वहीं अगर हम डिलीवरीज की बात करें तो सिर्फ 23%, तो सिर्फ इंट्राडे हुआ क्या इसमें? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था लगभग 40-50 तो परसेंट निकलेगा कि इतना तो इसमें डिलीवरीज लोग लेंगे कि इतना इसमें गुड न्यूज़ आई है, पर ये डिलीवरीज इसी वजह से मुझे लगता है कम है क्योंकि ऑयल का प्रेशर है मार्केट में, उसी वजह से सिर्फ इसमें इस डील के कारण हमारे को थोड़ा इसमें अपवर्ड शार्प मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है और सोच रहा है कहाँ स्टॉप लॉस रखूँ तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ 1338 रुपये, या आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो 1338 एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करें, और इसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं कि अगर जियो का आईपीओ आता है तो वो बेस्ट रहेगा जो होगा हमारे मिड ईयर में 2021 में, और वहीं हमारे को एक एक बम्पर आईपीओ फिर से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपनी क्वारीज, डेफिनेटली मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।